रात्रि की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी शिवालय सजे हुए हैं। सुबह से ही शिवालय में भक्तों की आना जाना शुरू हो चुका है। भक्त शिवलिंग के पास जाकर के जलाभिषेक करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। गुरुग्राम के मॉडल टाउन स्थित मंदिर से हमारे संवाददाता करण जयसिंह की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के मॉडल टाउन स्थित श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हूं और यहां पर भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो हैं वो शिवलिंग पर जल अभिषेक करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही भक्तों की कतार जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। ना ही सिर्फ गुरुग्राम के एक मंदिर बल्कि अनेकों मंदिर में जो भक्त हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज पूजा की जा रही है, आज शिवरात्रि है, किस तरह से मना रहे हैं आप? माँ भोले का ये व्रत त्यौहार है और शिव जी की पूजा होती है इस दिन और जल अभिषेक होता है शिव जी के ऊपर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम हलाल जो धरती को बचाने के लिए शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था, तब देवताओं ने गंगा जल की वर्षा करके उनकी अग्नि को शांत करने के लिए गंगा जल का चढ़ावा किया था। तो इस उस लक्ष्य में ये आज गंगा जल जो है शिव कांवड़िया लेकर आते हैं और शिव भोले के बाबा पे चढ़ता है और सबकी मनोकामना का पूर्ण करने वाले हैं। ये शिव बाबा जो है बड़े दयालु हैं और सबकी मनोकामना बड़ी इच्छा से पूरी करते हैं। बिल्कुल, कहा जाता है आज के दिन जल अभिषेक करने से शिव जी से अगर कुछ भी मांगा जाए तो वो मुराद जो है पूरी करते हैं। जी, शिव जी की पूजा करने से सारी मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ पर शिव जी की बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाता है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ जो भी मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है और सुख शांति मिलती है यहाँ आकर हमें 20 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, तो कृपा बनी हुई है भोलेनाथ की। बिल्कुल, मंदिर की भी बहुत मान्यता है और भक्तों की सुबह से हम देख रहे हैं कतार लगी हुई है। बहुत प्राचीन मंदिर है और 20 साल से हम आ रहे हैं और जो भोलेनाथ से मांगते हैं वो पूरी होती है हमारी मनोकामना। और बहुत ही मंदिर के पंडित जी और सारों का व्यवहार बहुत बढ़िया है। बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए दूर दूर से भक्त जो हैं वो आ रहे हैं। पुजारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुजारी जी, क्या जल अभिषेक करने का कोई समय होता है या फिर किसी भी समय जल अभिषेक किया जा सकता है? जल अभिषेक का वैसे तो समय 9:30 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर राहु काल भी चालू हो जाएगा, लेकिन प्रदोष भी प्रातःकाल ही नहीं है, इसलिए जल अभिषेक प्रातः ही जरूरी है। उसके बाद शाम को फिर भद्रा आ जाएगी, जितना हो सके उतना सुबह करें ज़्यादा अच्छा है। कितने बजे तक कर सकते हैं? 9:30-10 बजे तक, 10 बजे तक जल अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, शनिवार का दिन है, लोग देर से आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो शायद मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या वो घर पर भी कुछ पूजा अर्चना कर सकते हैं? घर पर भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं अपना, अगर कोई शिवलिंग है तो, नहीं तो फिर सूर्य नारायण को जल अर्पण करके दे सकते। अच्छा, आज के दिन व्रत भी रखते हैं लोग, व्रत की क्या कुछ विधि होती है, क्या विधान होता है, किस तरह से व्रत रखना चाहिए? व्रत का यही है कम से कम फलहार वगैरह का वो करें और शिव जी का जितना भी हो सके उतना भजन ध्यान करें, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन अभिषेक भी होते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, जैसे काल सर्प योग वगैरह में उसमें, तो इसलिए शिव जी की जितनी हो सके उतनी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, और शायद यही वजह है कि लगातार मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त जो हैं वो मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और भक्त हमारे साथ हैं। आज शिवरात्रि है और बेहद मान्यता होती है शिवरात्रि की, मंदिर में भी जल अभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं शिवरात्रि? जय भोलेनाथ के, बम बम भोले। आज के दिन जो सावन का महीना रहता है ये बहुत ही पवित्र महीना होता है, शिव पार्वती जी ब्रह्मण के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं सावन के महीने में, और पूजा पाठ करने से हमें मनवांछित फलों की इच्छा पर जो भी हमारे होते हैं पूरी होते हैं। सावन का मास अधिक मास होता है, इसमें अधिक मास पड़ रहा है, 2 सावन पड़ रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र है, बहुत समय पूर्व पड़ रहा है। अगर हम शिवदार भक्ति के साथ में एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान ऐसे हैं कि देव पे देव महादेव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे बाग बगीचे हरे भरे होते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी में हरियाली की तरह खुशियाँ छाई रहती हैं और शंकर भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं।
और बिल्कुल जलाभिषेक करने से शिव प्रधान भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, भक्त जो भी मांगते हैं भोले बाबा दिल खोल कर उनको वो उनकी मुराद पूरी करते हैं। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज़।